वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन रॉयल स्टैग एंड रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट, बोथ द प्रोडक्ट फ्रॉम पर्नोड रिकॉर्ड। और रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट को लॉन्च किया गया था एज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, मतलब रॉयल स्टैग का जो डिलक्स वेरियंट है उससे थोड़ा सा हाई, बट फाइनली जो रिजल्ट आया वो बहुत आया, मतलब रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट उतना नहीं चला जितना कि सोचा गया था इसके बारे में। तो आज इस कंपैरिजन वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रॉयल स्टैग के साथ रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट का क्या क्या बेसिक डिफरेंस है जो बिल्कुल दोनों प्रोडक्ट को अलग करता है, प्रीमियम में कैसे ले जा सकता है बैरल सिलेक्ट को, देखेंगे आज। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, रॉयल स्टैग को 1995 में लॉन्च किया गया था इंडियन मार्केट में, और जैसे ये ब्रांड लॉन्च हुआ उसके बाद ही विद इन 1 और 2 इयर्स बहुत क्विकली ये ब्रांड बेस्ट अल्कोहलिक ब्रांड की तौर पे इंडियन मार्केट में छा गए। सिर्फ यही नहीं, वर्ल्ड वाइड भी इस ब्रांड का बहुत अच्छा एक रेपुटेशन है, क्योंकि एक टाइम था जब रॉयल स्टैग वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड हुआ करता था, और इस सक्सेस का सबसे बड़ा राज है कि अ सुपीरियर क्वालिटी एट एन अफोर्डेबल प्राइस। जी हाँ, और इसी के कारण रॉयल स्टैग आज इतना फेमस है। अब जब ये सक्सेस स्टोरी लिख रहा था तब कंपनी सोचा कि एक प्रीमियम ब्रांड को लॉन्च किया जाए, इसका प्रीमियम मतलब रॉयल स्टैग का एक प्रीमियम ब्रांड को लॉन्च किया जाए मार्केट में। एक अलग सेगमेंट का विस्की होगा, कुछ यूनिक उसमें टचेस होंगे, कुछ यूनिक रेसिपी होगा, और तब जाके रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट को मार्केट में लॉन्च किया गया था December 2011 में। बट प्रॉब्लम क्या है, रॉयल स्टैग का जो डेडिकेटेड फैन बेस था, जो सिर्फ और सिर्फ रॉयल स्टैग को ही पसंद करते थे, वो लोग बैरल सिलेक्ट को ट्राई तो किया बट उतना खुशी नहीं मिला, उतना हैप्पी नहीं हुए इस प्रोडक्ट के साथ। उसका कारण मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा, बट ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है और इसके कारण बैरल सिलेक्ट उतना कामयाब एक ब्रांड नहीं बन पाया जैसे कि रॉयल स्टैग बन गया है। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। कंपैरिजन में पहले मैं बोलूंगा बॉटल का डिजाइन। अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि रिसेंटली रॉयल स्टैग का जो बॉटल है उसका डिजाइन चेंज हो चुका है। पहले जैसा फ्लैट बॉटल नहीं है, नीचे की तरफ थोड़ा सा नैरो हुआ है, और ये जो डिजाइन है इस डिजाइन को डिजाइन किया है यूके बेस्ड पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग कंपनी कार्टल्स, और दोनों बॉटल को वो डिजाइन किया है रिसेंटली। तो रॉयल स्टैग का जो बेसिक बॉटल शेप है उसको ज्यादा ना चेंज करते हुए बैरल सिलेक्ट को भी डिजाइन किया गया। अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ थोड़ा सा कर्व है, एक्स्ट्रा कर्व है, एंड दैट्स ऑल, डिफरेंस ज्यादा नहीं है। हालांकि दोनों बॉटल में कलर का बहुत डिफरेंस है। ये जो रॉयल स्टैग है ये ट्रेडिशनल बॉटल जैसा लुक्स है, बट रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट कुछ प्रीमियम लुक देता है बिकॉज ऑफ द कलर, क्योंकि इसमें जो स्टील का इन्वॉल्वमेंट है वो काफी हद तक बॉटल को प्रीमियम लुक देता है। दोनों बॉटल में अल्कोहल परसेंटेज जो है वो सेम है, इवन प्रूफ भी सेम है, बट दोनों बॉटल का जो कलर है कलर में थोड़ा अंतर दिखेगा। रॉयल स्टैग कुछ लाइट लगता है और बैरल सिलेक्ट थोड़ा सा डार्क लगता है। साथ साथ मैं बोलूंगा कि दोनों में कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर को यूज नहीं किया गया, जो मैं मानता हूँ एक बहुत अच्छा मतलब बात है। दोनों ही प्रोडक्ट पर्नोड रिकॉर्ड से बिलोंग करता है, पहले सिग्रम्स का हुआ करता था, बाद में पर्नोड रिकॉर्ड उसको खरीद लिया। तो एक इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ से ये दो ब्रांड आपके सामने हैं, बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है। अगर डिफरेंस का बात करूं तो मैं बोलूंगा कि दो मेजर डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया, एक तो इसका प्राइस है, मतलब बैरल सिलेक्ट का प्राइस रॉयल स्टैग से ज़्यादा है 70 या 50 रुपए, और बैरल सिलेक्ट में एक प्रोसेस को यूज़ किया गया है जिसको कहा जाता है सोलेरा प्रोसेस, और ये कुछ यूनिक प्रोसेस है। अब थोड़ा समझते हैं कि इसका बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है। बेसिक इंग्रेडिएंट्स मतलब दोनों ही प्रोडक्ट में ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट को यूज किया गया है, दोनों ही प्रोडक्ट में इंडियन गुड क्वालिटी मॉल्ट व्हिस्कीज को यूज किया गया है, और साथ साथ स्कॉच व्हिस्की को यूज किया गया है। बट रॉयल स्टैग में रेगुलर स्कॉच व्हिस्की को यूज किया गया है, बट बैरल सिलेक्ट में सोलेरा प्रोसेस से बना हुआ व्हिस्कीज को यूज किया गया है। और सोलेरा प्रोसेस के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आई बटन में एक वीडियो क्लिक हो रहा है जहां पर मैंने डिटेल से बताया क्या है सोलेरा प्रोसेस, आप जाके देख सकते हैं। तो इन सब विस्कीज में यूजुअली जो स्कॉच विस्की को मिलाते हैं उसका परसेंटेज है 2 से लेकर 12 तक,
और बाकी जो अदर इंग्रेडिएंट्स है वो है जैसे कि इंडियन ग्रेन स्पिरिट और तो और उसमें GNS को इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मात्रा इतना भारी रहता है कि स्कॉच अगर इसमें मिलाते भी है तो उसका जो फ्रेग्रेंस और नोट्स आपको बहुत कीमत चुका के ढूंढ के निकालना पड़ेगा, बहुत टफ जॉब है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर सोलेरा प्रोसेस यूज करके बैरल सिलेक्ट में व्हिस्की को अपग्रेड किया गया है, आपको उसका इफेक्ट बिल्कुल मिलेगा नहीं, या मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा। और सिर्फ इसके कारण आप सोचते होंगे कि यार कोई डिफरेंस तो मिलता ही नहीं है, तो फिर मैं इसके पीछे 70 रुपया ज्यादा क्यों दूं? तो ये है लॉजिक। आइए थोड़ा टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके आपको बताते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो पहले मैं रॉयल स्टैग को पोर करूंगा क्योंकि ये सबका पसंदीदा ब्रांड है। तो पहले रॉयल स्टैग से स्टार्ट करते हैं, 30 ml पोर करते हैं, उसके बाद बैलेंस लिक को टेस्ट करेंगे। पहले रॉयल स्टैग को टेस्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा ये सब विस्कीज जो है ये डायरेक्टली आप नोज के सामने मत ले जाइए, आपका जो दिमाग है झट से घूम जाएगा। तो थोड़ा सा दूर से आराम से नोज कीजिए। काफी स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक फ्रेग्रेंस है, न्यू स्पिरिट का जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज्यादा है इसमें, बड़ी मुश्किल से आप नोटिस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उडी नोट्स बड़ी मुश्किल से, और हाँ मगर वो कंटिन्यू जो स्ट्रॉन्ग अल्कोहल है वो आपको कंटिन्यू पंच देता चला जा रहा है, मतलब आप अगर ज़्यादा सूंघेंगे तो आप यहाँ पर बेहोश हो जाएंगे। देखिए ये सब जो विस्कीज है इनको आप नोट ना कीजिए तो अच्छा है, क्योंकि इनमें आपको वो सिंगल मॉल जैसा फील नहीं आएंगे। आप कंसिडर कीजिए प्राइस को, हालांकि मैं बोलना भूल गया कि इसका जो प्राइस है बॉटल में तो 500 लिखा है, क्योंकि मैं ये बहुत दिन पहले ख़रीदा था, अभी लॉकडाउन हुआ उसके बाद 70% किसी किसी सिटीज़ में 30% इंक्रीज़ हुआ है, तो उस हिसाब से आप लगा लीजिए। फिलहाल वेस्ट बंगाल में शायद 700 में मिल रहा है, तो आपका सिटी में एक बार देख लीजिए। तो बस पैलेट में एक बार स्ट्रॉन्ग मोलसिस सबको मिलता है, स्ट्रॉन्ग मोलसिस का फ्रेग्रेंस, साथ में अगेन इट्स नॉट अ ओवर पावरिंग मैं बोलूंगा, उतना नहीं है, थोड़ा सा स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ ये विस्की लग रहा है मुझे। काफ़ी इंडियन ब्रांड मैं ट्राई कर चुका हूँ तो उस हिसाब से देखूँ तो थोड़ा बहुत स्मूथ लग रहा है। और फिनिश का क्या कहना, मतलब ये सब उसके फिनिश का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। चलिए मैं इसको साइड में रखता हूँ और पोर करता हूँ बैरल सिलेक्ट को और देखता हूँ कि बेसिक डिफरेंस क्या मिल रहा है। चलिए जैसे कि मैं बता था बैरल सिलेक्ट का कलर जो है ये थोड़ा डार्क है, हालांकि दोनों ही व्हिस्की में आर्टिफिशियल कलर को मिक्स किया गया है 150A को, बट बेस्ट पार्ट है कि जिसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर को ऐड नहीं किया गया है, विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग। चलिए इसको भी थोड़ा, ये ना और स्ट्रॉन्ग लग रहा है, वो पापड़े ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर RS के साथ मैं कंपेयर करूँ तो मैं बोलूँगा कि RS मुझे स्मूथ लगा एज कम्पेयर टू दिस आई मीन टू से बैरल सिलेक्ट। तो ठीक है फिर भी थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। वेरी ऑनेस्ट टू यू कि मुझे ना RS बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ओवर पावरिंग विस्की लगा मुझे एज कम्पेयर टू रॉयल स्टैग। नोट्स का बात अगर करूँ तो थोड़ा सा वुडी नोट्स इसमें भी मिल रहा है, बट हाँ बहुत नुअंस, मतलब आपको नोटिस करने में बड़ी दिक्कत होगा। अगेन वो जो नेचुरल स्पिरिट है उसका, मुझे कहीं स्कॉच विस्किस का नामोनिशान नहीं लग रहा है। ऐसा आशा करना भी ठीक नहीं है, आप एक बार सोचिए इसका प्राइस का। यहाँ वेस्ट बंगाल में जो मैं जब ख़रीदा था तब ये 550 था, हालांकि जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसका प्राइस बढ़ चुका है तो ये 750 के आसपास हो जाएगा। तो 50 रुपया ज़्यादा देकर क्या आपको सच में सही प्रोडक्ट मिल रहा है? तो मैं बोलूँगा जी नहीं। आपको, मुझे तो रॉयल स्टैग बहुत अच्छा लगा, नाउ अप टू यू कि आपको कैसा लगेगा, आप ट्राई करके देख सकते हैं। बट आई लाइक्ड रॉयल स्टैग द मोस्ट बिकॉज ये मुझे बहुत अच्छा लगा, पैलेट में बहुत सूदिंग लगा, आफ्टर टेस्ट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगा ये उसकी। एनीवे बैटल सिलेक्ट कुछ स्ट्रॉन्ग है मेरे लिए। तो कैसा लगा ये कंपैरिजन वीडियो प्लीज़ कमेंट्स में जाके लिखिएगा, और आगे कैसा देखना है और कैसा कैसा कंपैरिजन वीडियोस देखना है आप मुझे लिखिएगा जरूर। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल में मॉकटेल में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।